आप सभी का स्वागत है मिशन जामियन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उस करेक्शन देयर करेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये जो है फिजिक्स का टॉपिक है आपका, क्लास टेंथ का है। ये जो जामिया के इलेवेंथ क्लास साइंस का जो सिलेबस है उसमें आपके तीन सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स में ये क्वेश्चन आपके पूछ लेते हैं। डिफेक्ट ऑफ विजन से एक या दो क्वेश्चन आपका लगभग हर साल आता ही आता है। तो हम इसी को इस चैप्टर में क्लियर करेंगे विजन को, और उसको करेक्ट कैसे करेंगे वो जानेंगे। उसमें डिफेक्ट ऑफ विजन एंड उसको करेक्शन जानेंगे। तो देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी एबिलिटी होती है देखने की, यानी हम जिस चीज़ किसी चीज़ को देख सकते हैं वो एबिलिटी जो हमारी होती है उसको हम लोग विजन कहते हैं। विजन कह सकते हैं हम लोग, और आई साइट भी कहते हैं उसको हम कुछ लोग। यानी जो हमारी देखने की एबिलिटी होती है उसको हम या तो आप विजन कहिए या आप आई साइट कहिए। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, दृष्टि कहते हैं हिंदी में। ठीक। अब कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो चीज़ हम देखते हैं, यानी जो इमेज ही तो है हमारी, जिसको भी चीज़ को हम देखते हैं इमेज को, तो वो जो है प्रॉपरली हमारे रेटिना पे फॉर्म नहीं हो पाता है। जो हमारे रेटिना पे जो प्रॉपरली नहीं बन पाता है, तो उस केस में क्या होता है, या तो हमें कोई चीज़ ब्लर दिखेगी, यानी कि हमें धुंधली दिखेगी, या फिर क्या होगा हमें, या तो हमें पास का चीज़ साफ नहीं दिखेगा, नियर ऑब्जेक्ट, या फिर हमें डिस्टेंस का चीज़ साफ या फिर कम्फर्टली हमें नहीं दिखेगा। तो उसमें क्या होगा, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, हमारे आई में डिफेक्ट आ गया, यानी कि ये विजन डिफेक्ट हो गया या फिर आई डिफेक्ट हो गया। आई डिफेक्ट या विजन डिफेक्ट कब होगा, जब हम या तो पास की चीज़ या दूर की चीज़ को या हम साफ नहीं देख सकते या कंफर्टली नहीं देख सकते, या फिर कुछ हम देख रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, हमें धुंधली दिखाई दे रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफेक्ट विजन में। इसको कह लो डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं या फिर डिफेक्ट ऑफ आई भी कह सकते हैं आप लोग। अब हम लोग बात करें डिफेक्ट ऑफ विजन, जो हमारे जनरली तीन टाइप्स के होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। हम तीनों को एक एक करके डिसाइड करेंगे। देखिए, मायोपिया क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है आपको कि पास की चीज़ें जो होती है आपको वो साफ साफ दिखाई देती है मायोपिया में, लेकिन दूर की चीज़ें जो आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगी अगर आपको मायोपिया है तो। इसका ये जो मायोपिया जो डिफेक्ट है, ये ज़्यादातर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको होता है ये ज़्यादातर। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, और ये मान लीजिए बोर्ड है उनका, और ये स्टूडेंट है जो लास्ट में क्लास के बैठा हुआ है, तो ये अपनी बुक में देख रहा है तो इसको साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब ये बोर्ड पे देख रहा है तो इसको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा कि बोर्ड पे क्या लिखा है उनके उसके सर ने। तो ये क्या हुआ, इसको पास की चीज़ें साफ दिखाई दी पर दूर की चीज़ इसको साफ दिखाई नहीं दी। तो हम इसको क्या कहेंगे कि इस लड़के को जो आँख में जो विजन डिफेक्ट है वो वापस क्या है, मायोपिया है। मायोपिया में क्या होता है, जो आपका जो फार पॉइंट होता है आई का वो लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। इसके मायोपिया होने के कारण एक तो ये होता है कि इसमें जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो आपका हाई हो जाता है। कन्वर्जिंग पावर यानी कि जो किसी चीज़ को इकट्ठा करने की जो पावर हो जाती है वो इसमें ज़्यादा हो जाती है मायोपिया में। जैसे कि मान लीजिए हम जानते हैं कि हमारा आई लेंस होता है, इसमें से कोई भी रे जाती है तो ये जाकर रेटिना पे बन जाती है, तो इसमें कन्वर्जिंग पावर हाई है तो इसका मतलब जल्दी ज़्यादा मोड़ देगा, इसको ज़्यादा मोड़ देगा तो क्या करेगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा इसमें इमेज। तो रेटिना से पहले कुछ ही बन जाएगा, यानी रेटिना पर सही से फॉर्म नहीं हुआ तो क्या हम उसी को साफ साफ देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे ना। दूसरा कारण ये होता है कि इसमें जो आई बॉल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। आई बॉल बड़ा होने का मतलब कि रेटिना से आई लेंस की डिस्टेंस जो है इंक्रीज होना। आई बॉल बड़ा हुआ मतलब आई लेंस और रेटिना के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अब मायोपिया को हम ठीक करें कैसे करेंगे, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्यों, क्योंकि कनकेव लेंस जो होता है वो डिवर्जिंग पावर का होता है। ये क्या डिवर्जिंग पावर का होता है। ये क्या करता है, कनकेव लेंस आप जानते हैं ऐसे करके होता है, ये क्या करता है, किसी चीज़ को लाइट को फैला देता है ये कनकेव लेंस। तो ये क्या, ये जल्दी बन रहा है तो इसको हमें फैलाना ही तो, ताकि थोड़ा सा फैलाएंगे जिससे कि थोड़ा आगे तक रेटिना तक पहुंच जाए। तो जितना जल्दी आपका इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो उसके हिसाब से आपका जो पावर बनेगा उसके हिसाब से आपका कनकेव लेंस यूज होगा। आइए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये डायग्राम देखिए, देखिए ये जो मायोपिया वाला जो व्यक्ति है इसको क्या हुआ है, ये जो इमेज इसका फार पॉइंट जो है इसका इन्फिनिटी से पहले ही है, यहाँ तक साफ दिखेगा। ठीक, ये जो इन्फिनिटी की चीज़ों को देखेगा तो क्या होगा, इसमें कन्वर्जिंग पावर हाई है तो ये इसको देखो जल्दी कन्वर्ज कर दिया है, यानी ये जो इमेज है रेटिना से पहले, रेटिना यहाँ पर है, ये यहीं फॉर्म हो गया, तो साफ साफ दिखेगा, नहीं दिखेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा इससे पास का दिखाएंगे तो रेटिना पर बन जा रहा है, साफ दिख रहा है। अब इसको हम करेक्ट करने क्या करेंगे, हम लोग ये लगा देंगे हम लोग कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस की जो होती है डिवर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि इसको फैला देता है। तो ये देखिए कनकेव लेंस क्या करेगा, इसको यहाँ पे बन रहा था उसको ये और आगे ले गया, इसको फैला कर ले गया ना, तो ये इससे ठीक हो गया। तो कनकेव लेंस से कौन सा
ठीक होता है, तो मायोपिया आपका ठीक होता है। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो नियर पॉइंट होता है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो जाता है। इसमें आपको क्या होगी, पास की चीज़ें साफ नहीं दिखेगी लेकिन दूर की चीज़ आपको जो होती है साफ दिखती है ऐसा। और ये हाइपरमेट्रोपिया होने के कारण क्या है, एक तो ये होता है कि आपकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो कम हो जाती है, दूसरा आई बॉल जो शॉर्ट होगा, आई बॉल शॉर्ट हो गया इसका मतलब रेटिना और आई लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो गई, और कन्वर्जिंग पावर लो हो गया यानी ये कन्वर्ज नहीं कर पाएगा लाइट को, तो ये क्या करेगा रेटिना से आगे चला जाता है, इसमें लाइट रेटिना के पीछे बन जाता है, ये ऐसे करके आगे चला गया रेटिना के बिहाइंड इसमें इमेज बन जाता है हाइपरमेट्रोपिया में। लेकिन मायोपिया में क्या होता है, रेटिना के फ्रंट में बनता है यानी रेटिना से पहले बन जाता है आपका इमेज, ठीक है। अब इसको हम ठीक करेंगे तो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कन्वेक्स लेंस का क्या पावर, ये होता है ये कन्वर्जिंग का होता है, देखते नहीं कन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस पर कहीं से भी लाइट डालिए ये सबको एक जगह मिला के एक कर देता है, तो ये क्या कौन सा लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस। ये देखिए इस आदमी को क्या है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो ये क्या कर रहा है, ये बुक इसको जो पास से इसको सही से दिखेगी नहीं, तो इसलिए क्या कर रहा है दूर रख के पढ़ाई कर रहा है ये बंदा, देखिए इसको, ठीक है इसके समझ गए होंगे इसको, देखिए आप। अब आइए अगला, इसको देखिए, इसमें देखिए कन्वर्जिंग पावर लो होने के कारण क्या होता है, ये इसको कन्वर्ज नहीं कर पाता सही से, तो क्या होता है इमेज जो है बिहाइंड रेटिना चला गया, रेटिना के पीछे चला गया कि नहीं चला गया, बिहाइंड रेटिना, अभी थोड़ा दूर का सही से देख लिया, दूर का एकदम रेटिना पे बना लिया इसने, तो इससे करेक्ट करने क्या करेंगे हम लोग, कन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जिससे कि कन्वेक्स लेंस का क्या काम है, उसको कन्वर्ज करना, तो ये क्या करेगा इसको कन्वर्ज कर देगा यानी आगे जाने से रोक के पहले ही बना देगा। तो अभी आप लोग समझ गए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, अच्छी तरह समझिए। अब ये प्रेस बायोपिया होता है, ये भी एक तरह से हाइपरमेट्रोपिया ही होता है, लेकिन ये जो होता है आपके ओल्ड एज पर्सन यानी ये जो बीमारी होती है आँख में उन व्यक्ति को होती है जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको पास की चीज़ साफ दिखाई देती है पर दूर की चीज़ साफ दिखाई देती है, ये फिर ये लोग क्या कहते हैं दूर से किसी चीज़ को देखते हैं, ये ज़्यादातर ओल्ड एज के में होता है, ये एक तरह से स्पेशल टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें क्या होता है आपका जो सिलेरी मसल जो होता है उसका वीक हो जाता है और पावर ऑफ एकोमोडेशन जो होता है वो उसका लॉस हो जाता है पावर। ये जो होता है प्रेस बाय पे दो कारण होता है, एक तो सिलेरी मसल आपका वीक हो गया, एक पावर ऑफ एकोमोडेशन है जो आपका वो भी लॉस हो गया, और ये ओल्ड एज में होता है प्रेस बायोपिया। इसको भी करेक्ट हम लोग जैसे हाइपरमेट्रोपिया को करते हैं वैसे इसको भी करते हैं हम लोग। अब इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जिनको ना तो पास का साफ दिखता हो, नियर का ऑब्जेक्ट साफ, नहीं डिस्टेंस ऑब्जेक्ट साफ दिखता हो, तो इनके लिए क्या करें, जिनको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं बाईफोकल लेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग, बाईफोकल लेंस, यानी कि दो लेंसों के कॉम्बिनेशन का हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कनकेव लेंस लगाते हैं हम लोग, कनकेव लेंस मायोपिया के लिए और कन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया के लिए। तो ऐसे व्यक्ति का आप लोग चश्मा ऐसा देखते होंगे, ये ऐसा वाला ऐसा चश्मा रहता है, ये किस लिए होता है, देखो जब उसको पढ़ना होता है तो नज़र नीचे करेगा, वो तो यहाँ से पढ़ लेगा कन्वेक्स लेंस के जरिए पास की चीज़ें, जब दूर उसको चलना होगा या तो कहीं दूर देखना होगा तो ऊपर से देखेगा, तो इसके लिए ये आ गया कनकेव लेंस। तो ये मायोपिया को ठीक ऊपर से देखते हैं मायोपिया वाला, तो यहाँ से मायोपिया वाला ठीक हो जाएगा, नीचे देखेगा जब उसको पढ़ना होगा तो नीचे देखेगा कन्वेक्स लेंस, तो यह हाइपरमेट्रोपिया को ठीक कर देगा। तो ऐसा चश्मा आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा चश्मा आप लोगों ने देखा होगा, ये ज़्यादातर ओल्ड एज वालों को ही होता है ये भी। अब एक जो बीमारी ऐसी होती है जिसमें आपको धुंधली दिखाई देती है पर्सन को, क्लाउडी रिजल्टिंग इन ब्लर्ड विजन हो जाता है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं कैटरेक्ट, इसमें आपको धुंधली सी दिखाई देती है, और इसका इलाज कोई चश्मा से नहीं है, इसका इलाज जो है सर्जरी के द्वारा है। और इससे क्या होता है, जैसे जिसको कैटरेक्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको बहुत कम दिखता है, धीरे 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 बहुत कम दिखना बंद हो जाता है उसको, पहले हल्का सा धुंधला फिर धीरे 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वो। और ये जो होता है आपको सिर्फ सर्जरी के द्वारा ठीक होगा, चश्मा के लेंस के जरिए ठीक नहीं होगा। इसको हिंदी में जैसे मोतियाबिंद कहते हैं, आप लोगों ने मोतियाबिंद का नाम सुना होगा, ये मोतियाबिंदी को हम लोग कैटरेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने बात किया डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में, हम लोग अच्छे से तरह से समझा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक करके, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप ले लीजिएगा, नोट्स आप लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे कर दे रहा हूँ,
वीडियो को रोक के आप नोट्स ले लीजिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम लोग इसके बाद एक काम करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। थ्योरी तो इसलिए कि बस समझ में आना चाहिए कि कौन चीज़ कहाँ होता है, तभी तो फॉर्मूले के हिसाब से यूज करोगे, है ना। बाकी आप लोगों को जामिया एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जामिया से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या फिर जामिया की ऑनलाइन फ्री तैयारी करने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।